1 अप्रैल 2023 मारुति सुजुकी डिसकंटिन्यूज हॉर्स प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टो 800। ये अप्रैल फूल नहीं पर एक सैड रियलिटी है। 27 सितंबर सन 2000, 23 साल पहले इंडिया की मुलाकात हुई ऑल्टो 800 से, और 2020 आते आते 40 लाख ऑल्टो सड़कों पे थी, पर शुरुआत ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट लॉन्च के पहले 3 साल 50,000 से कम यूनिट्स बिकी थी। रीजन खुद मारुति था, या कहिए मारुति 800 थी, जो ऑल्टो से सस्ती और ज्यादा पॉपुलर थी। मारुति के लिए ऑल्टो थी एक प्रीमियम हैचबैक, यानी 800 का प्रो मैक्स। इरादे तो ये थे कि हिंदुस्तान को 800 से भी बेहतर गाड़ी दी जाए, पर 800 तो ट्रू लव है। एक्चुअली ग्लोबली 800 को ऑल्टो के नाम से ही जाना जाता है, जो कि जापान की कई सेगमेंट की गाड़ी थी। इन 23 सालों में ऑल्टो ने कई झंडे गाड़े और कई जगह गाड़े, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, नदी, नाले। 2008 में यानी एक साल में 10 लाख यूनिट बिके। कॉम्पिटिशन कई आए कई गए, जैसे 2011 में हुंडई इओन, जो ऑन पेपर तो बेटर गाड़ी थी, वैसे ही 2015 में रेनो क्विड। पर ऑल्टो की पकड़ हिलाना इतना आसान था क्या? ऑल्टो से जुड़ी हमारी कई यादें, ऐसे ही अपनी यादें बताएं कमेंट्स में। और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू कास्ट 24।